नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑप्शन की और एक वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज बैंक निफ्टी और निफ्टी ने क्या किया। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में मैंने आपको पहला टारगेट दिया था 36,562, वो आज उसने अचीव कर लिया। उसका ओपनिंग हुआ 36,463 पे और उसने आज का हाई मारा है फ्रेंड्स, 36,590 पे उसका हाई है। ओके, तो चलिए बाद में ये पूरा इसी रेंज में वो पूरा रिंग घूमता रहा फ्रेंड्स। तो ये जो रेंज बनाई है ना, ये पूरा रिंग ये ऐसे बाद में यहाँ से ऐसे आया, ऐसे ऐसे, ये पूरा रिंग एक ही रेंज में वो घूमता रहा पूरा रिंग। तो आइए देखते हैं कि कल निफ्टी में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। इसके लिए मैं ये निकाल लेता हूँ, हमारा फ्लैट जोन जो मैंने ड्रॉ किया था वो, और कल के लिए हम न्यू फ्लैट जोन ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। मैं कल के लिए 5 मिनट की चार्ट पे हम आज एनालिसिस करेंगे फ्रेंड्स। इसका क्लोजिंग हुआ 36,373, तो हमारा फ्लैट जोन आएगा 36,420 से लेके 36,290। इसका मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ फ्रेंड्स एक, ये हमारा हो गया फ्लैट जोन फ्रेंड्स 420, और डाउन के साइड में आएगा हमारा 36,289। अगर समझो, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ये चेक करोगे तो हो सकता है कल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो पहला टारगेट हमारा अपसाइड में आएगा फ्रेंड्स 36,520, और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 36,600, और डाउन के साइड में अगर 36,289 ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट उसका आ सकता है डाउन के साइड में 36,200, और दूसरा टारगेट आ सकता है डाउन के साइड में 36,076। और अगर इस लाइन को ब्रेक करेगा 36,075 को, तो ये गैप फिल करने के लिए नीचे भी आ सकता है, ये जो गैप पेंडिंग है हमारा। ओके, और इसका लेवल रहेगा फ्रेंड्स 35,950। ओके, ये हुआ बैंक निफ्टी फ्रेंड्स। ये मेरा यूट्यूब चैनल है एसजे ट्रेडर्स, आप वीडियो देखते हो तो पूरा वीडियो देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ओके, चलो अब देखते हैं निफ्टी फ्रेंड्स, निफ्टी ने क्या किया। उसका ओपनिंग हुआ 70,522 पे आज उसका ओपनिंग हुआ, और मेरा पहला टारगेट आपको दिया था 70,555, तो आज उसने पहला टारगेट अचीव कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे आके सीधा डायरेक्टली हमारा जो बॉटम का मैंने जो लेवल लिया था फ्रेंड जोन का, वहाँ पे आया और वहाँ से फिर से बाउंस बैक लिया और फिर से नीचे आके उसने क्लोजिंग किया है 70,464 पे। तो आइए देखते हैं अब कल क्या हो सकता है निफ्टी में। तो इसके लिए पहले हम फ्लैट जोन ड्रॉ कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगर कल 70,510 ले लेता हूँ, 510 निकलता है अपसाइड में, ये लेवल आएगा अपसाइड का, और डाउन के साइड में मैं पकड़ लेता हूँ ये वाला 70,000, इसको मैं उठा लेता हूँ ऐसे, वेरी गुड। ये वाला हो गया हमारे लिए कल के लिए फ्लैट जोन। अगर अपसाइड में अगर 70,510 को निकालेगा, 510 को निकालेगा, तो पहला टारगेट उसका अपसाइड में आएगा फ्रेंड्स 70,550, और दूसरा टारगेट आएगा उसका 70,600। जो आज के लिए टारगेट मैंने दिया था, मैं वही टारगेट दे रहा हूँ कल के लिए भी। और डाउन के साइड में अगर फ्रेंड्स 70,435 निकालेगा, तो उसका पहला आएगा टारगेट 70,430, यानी इसका टारगेट आएगा
70,389 और दूसरा तरह के डाउन के साइड में आएगा फ्रेंड्स ये गैप, गैप का लेवल रहेगा फ्रेंड्स 70,337। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया निफ्टी का। और निफ्टी में आप चेक करोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है, इसको क्रॉस करेगा तो डेफिनेटली जा सकता है। और देख लेते हैं एक्सिस निफ्टी और डाउ जोन्स क्या कर रहे हैं अभी। यहाँ पे आप चेक करोगे डाउ जोन्स को अमेरिकन मार्केट तो उसका 128 माइनस में है और हमारा एसजीएक्स निफ्टी जो है फ्यूचर का वो अभी 43 पॉइंट माइनस में है। तो हो सकता है कल गैप डाउन भी हो सकता है, देखना पड़ेगा रात को वो कितना माइनस में क्लोज होता है या प्लस में क्लोज होता है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।